नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। भाद्रपद पूर्णिमा को विशेष मान्यता दी गई है हिंदू शास्त्रों में। वैसे तो प्रत्येक महीने की प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इसी पूर्णिमा के बाद से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, जो अश्विनी मास के अमावस्या तक चलती है। लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं श्राद्ध पक्ष में। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा को यदि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर अपने संकल्प को दोहराता है या कोई संकल्प लेता है तो वो पूरा जरूर होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा पड़ती है। यह पूर्णिमा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपदा के दिन इसी नक्षत्र में पड़ती है। यह पूर्णिमा पूर्वा भाद्रपदा या उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में पड़ती है, इसलिए इसे भाद्रपद की पूर्णिमा कहा गया है। इसी पूर्णिमा के शुरुआत होते ही धीरे धीरे पूर्वजों का जमीन तक आना, उनकी आत्माओं का पृथ्वी तक पहुंचना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसके दूसरे दिन से ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत की जाती है और पहले दिन पूजा, व्रत और धार्मिक आयोजन करके पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। और मैं ये चाहता हूँ, एक ज्योतिषी होने के नाते, कि आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि भाद्रपद की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य सुनें, अपने संकल्प को दोहराएं, अपना संकल्प लें किसी नए कार्य के लिए, वह अवश्य पूरी होगी। अपने पारिवारिक सुख शांति के लिए, व्यापार धंधे के लिए, नौकरी कारोबार के लिए, या बच्चे यदि पढ़ाई करते हों तो उनकी सुख सुविधा, उनके भविष्य में सफलता के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनकर इस पूर्णिमा को अच्छी शुरुआत करें। इस साल भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगा। धन्यवाद।